रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ग्राउंड की राजनीति करते हैं, वो अपनी राजनीति ग्राउंड की राजनीति केवल और केवल कैथल से करेंगे जी, कैथल से ही चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा की ही राजनीति करेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार है और तीन गुना बुरा हाल है। कोई ग्रांट, कोई किसी संस्था को ग्रांट, किसी धर्मशाला को ग्रांट, किसी को कुछ दिया हो तुम जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, प्रोग्राम करो, राजी खुशी यहाँ से चले जाओ, काम से कोई मतलब नहीं जी। काम की बात के भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के समय में यहाँ पे आप हर 100 मीटर पे आपको एक चीज नजर आएगी जहाँ उनके नाम का पत्थर लगा होगा जी। आज शाम तक, कल तक या कल दिन तक पीसीसी के जो पूरे हरियाणा से 195 मेंबर बनाए जाएंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी जी। नमस्कार, पिछले 8 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला की कोठी पे हम मौजूद हैं, तो जो रणदीप सिंह सुरजेवाला के अनुपस्थिति में जो कोठी पर कामकाज देख रहे हैं सुदीप सिंह सुरजेवाला, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हमारे साथ मौजूद हैं, तो जनता के कुछ सवाल हैं तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। किस तरह से जो कांग्रेस का संगठन मजबूती की तरफ किस तरह से बढ़ रहा है, क्या कुछ प्रयास इनकी ओर से किया जा रहे हैं जी? सर स्वागत है आपका। आप साथियों का किसान भवन पे और कैथल कवर के देखने वाले सभी दर्शकों का हाथ जोड़कर बहुत बहुत जी स्वागत जी। सुदीप जी, अगर बात करें कांग्रेस संगठन की तो किस तरह से कांग्रेस संगठन मजबूती की ओर बढ़ रहा है, तो आकर देखा जाए तो पिछले 8 साल में काफ़ी डाउनफॉल हमने कांग्रेस का देखा। ये वाकई एक सच्चाई है कि पिछले 8 साल से कुछ आपसी कारणों से संगठन नहीं बन पाया, चाहे वो शैलजा जी का समय रहा, चाहे वो अशोक तंवर जी का समय रहा, लेकिन पिछले 2 महीने से पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता डिस्ट्रिक्ट वाइज संगठन को बनाने के लिए सभी साथियों के नाम गए, सबसे विचार विमर्श हुआ, चाहे वो सीनियर साथी हों, मौजूदा MLA हो, ex-MLA हो जी। आज शाम तक, कल तक या कल दिन तक पीसीसी के जो पूरे हरियाणा से 195 मेंबर बनाए जाएंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी जी। और उदयभान जी ने जो हमारे अध्यक्ष हरियाणा कांग्रेस के 20 तारीख की चंडीगढ़ 3 बजे की मीटिंग भी रखी है जी। 25 तारीख तक हमें उम्मीद है कि जिलाध्यक्ष और सभी ब्लॉक अध्यक्षों की सूची भी जारी हो जाएगी जी। आप देखेंगे अभी चुनाव में बेशक 2.5-2 साल के करीब का समय पड़ा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सभी साथियों को, सभी नेताओं को लेकर एकत्र होकर जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पहुँचेगी, आप देखिए फिर से चुनाव का बिगुल बजेगा और कांग्रेस पार्टी के सारे साथी अपनी मेहनत से, अपने वरिष्ठ श्रेष्ठ नेतृत्व के साथ लगकर दोबारा सत्ता में आएगी लोगों के आशीर्वाद से जी। अगर सुदीप जी मैं बात करूं विकास की, तो विकास को लेकर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है BJP पर सवाल उठाती है कि विकास कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन तमाम महंगाई से लेकर जो तमाम मुद्दे हैं वो कांग्रेस कहीं ना कहीं उठा नहीं पा रही, तो क्या कुछ कमी नज़र मानते हैं? पिछले 8 वर्ष में विकास केवल BJP के नेताओं का हो रहा है जी। मैं केवल कैथल शहर की भी अगर बात करूँ जी, 8 वर्ष में एक सिंगल आधारा तो ऐसा दिखा दीजिए जो उन्होंने बढ़ाया हो जी। एक मेडिकल कॉलेज का आज से 2.5-3 साल पहले बहुत शोर हुआ था जी। आप मेरे साथ अभी गाड़ी में चलिए जी, वहाँ सिवाय घास के अगर आपको कोई बोर्ड भी नजर आ जाए जी, कंस्ट्रक्शन शुरू होना, बिल्डिंग बना, IMA से क्लियरेंस होने, तो बहुत दूर की बातें जी। होर्डिंग ने बहुत लगाई, हमारे पड़ोस की जो विधायिका है, मंत्री है, उन्होंने भी, हमारे मौजूदा विधायक ने भी, लेकिन आज तक वहाँ पे काम कोई शुरू नहीं हुआ जी। उसके अलावा पूरी कैथल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई एक सिंगल आधारा आप ऐसा बताइए कि जो पिछले 8 साल में इनके द्वारा बनाया गया हो जी। मैं बड़े गर्व से और बड़े दावे से और बड़ी जिम्मेवारी से आपको ये बात कहता हूँ, 10 साल के भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के समय में यहाँ पे आप हर 100 मीटर पे आपको एक चीज नजर आएगी जहाँ उनके नाम का पत्थर लगा होगा, चाहे वो सड़क हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, वाटर वर्क्स हो, बिजली घर हो, कुछ भी हो जी। आप पूरे हल्के में मेरे साथ चलिए, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा जहां आपको बिजली घर, वाटर वर्क्स नहीं मिलेंगे। 8 साल में आप एक सिंगल वाटर वर्क्स या बिजली घर तो बता दीजिए जो बनाओ जी। हाँ, जो लीडर हैं उनका बहुत विकास हो रहा है, हर हफ्ते यहाँ आते हैं, बढ़िया मीटिंग करते हैं, हमारे सांसद जी हैं, हर हफ्ते कैथल आते हैं, उनका क्षेत्र है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन कोई ग्रांट, कोई किसी संस्था को ग्रांट, किसी धर्मशाला को ग्रांट, किसी को कुछ दिया हो तो जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, प्रोग्राम करो, राजी खुशी यहाँ से चले जाओ, काम से कोई मतलब नहीं जी। काम की बात मत करो बस जी, चुनाव की बात जरूर करो जी। चुनाव में सब आ जाएंगे, 3 महीने पहले आपने देखा पूरी BJP कैथल में थी जी, उसके बाद कोई भी नहीं जी। नड्डा जी आए, क्या देखे गए? कुछ भी नहीं जी। चुनाव से पहले अमित शाह जी आए थे, क्या देखे गए? कुछ नहीं। 2014 के चुनाव से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, क्या देखे गए? कुछ भी नहीं जी। बातें बहुत अच्छी हैं, काम जीरो जी। तो वर्तमान अगर मैं बात करूं तो सरकार के जो कैथल शहर की बात करें,
तो जैसे बीजेपी की सरकार है, तो किस तरह से कामकाज को आप देखते हो? ट्रिपल इंजन की सरकार है और तीन गुना बुरा हाल है। अच्छा, पूरे शहर का, पूरे हलके का जी। आप शहर की सफाई देख लीजिए, लाइटें देख लीजिए। आज से दो साल पहले कूड़ा करकट उठाने का टेंडर कैंसिल हुआ, ऑर्डर हुए कि 6 महीने में नया टेंडर इशू कर दीजिए, आज तक नहीं हुआ जी। किसी अननोन पार्टी को टेंडर दिया हुआ है जो कूड़ा उठा रही है या नहीं उठा रही है जी। उसको लाखों करोड़ों रुपए की सालाना पेमेंट की जाती है, कोई कागज नहीं जी। कूड़ा जलाने का संयंत्र जो खुराना रोड पे कूड़ा को साफ करने का, खत्म करने का जो संयंत्र लगना था, आज तक नहीं लगा। आप मेरे साथ अभी चलिए वहाँ पे खुराना रोड पे, आग लगाकर पॉलिथिन और कूड़े को खत्म किया जाता है जी, जो किसी रूल बुक में नहीं आता जी। नाइट के जो कर्मचारी थे सफाई वाले, सबको हटा दिया गया। वो बेचारे अपना रोजगार भी खो रहे हैं, रोज प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं जी। प्रधान बना दिया जी, पूरे शहर का प्रधान बना दिया, पावर कोई नहीं है जी। आप बिल पास करने की पावर नहीं है, आप पे ग्रांट पास करने की पावर नहीं है, आप पे चेक पास करने की पावर नहीं है। बीजेपी डमी बिठाती है, उसके बाद अधिकारी और बड़े नेतागण सरकार चलाते हैं जी, पैसे कमाते हैं बस जी। तो इससे आगे कोई काम नहीं जी। तो शहर के ड्रीम प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं, सिटी स्क्वायर जो पिछले काफ़ी सालों से अटका हुआ था, उसका जो निर्माण कार्य है, कल जैसे चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने वहां दौरा किया है और पहले नवरात्र से निर्माण कार्य है उसका दोबारा से शुरू करने का उन्होंने कहीं ना कहीं आश्वासन भी दिया है, तो इसको कहां देखते हैं आप? सुरभि जी युवा हैं, पढ़ी लिखी हैं, हमें तो बड़ी उम्मीद है जी कि इस शहर के और हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट को वो पहले नवरात्र में अगर शुरू कर दें, सबसे पहले बधाई मैं दूंगा जी। उम्मीद कम है जी। इस शहर में तीन प्रोजेक्ट थे, सिटी स्क्वायर, बैंक स्क्वायर और पार्किंग। जिस दिन 2014 में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर गई, तीनों प्रोजेक्ट एज इट इज, जहां खुदाई हुई थी, जहां सरिये पड़े थे, जहां ईंटें पड़ी थी, वहीं की वहीं पड़े हैं। पुराने शहर का बुरा हाल है सिर्फ इस वजह से कि किसी ने पार्किंग नहीं बनाई। 8 साल हो गए आज तक इनसे पार्किंग नहीं बनी जी। सिटी स्क्वायर जो पुराना बस स्टैंड उठता था, बड़ी मुश्किल से उस जमीन को बचाया जो करोड़ों रुपये की जमीन है, काम शुरू किया केवल राजनीतिक रंजिश के लिए, उस काम को बंद करवा दिया, आज तक दोबारा शुरू नहीं हुआ। उसके बराबर में बैंक स्क्वायर है, आप अम्बाड़ा रोड, कुरुक्षेत्र रोड, करनाल रोड पे हाल देखिए कितना है, गाड़ियां निकलने की जगह नहीं रहती, क्योंकि जैसे जैसे शहर बढ़ रहा है जी, तो साधन भी बढ़ रहे हैं। बैंक स्क्वायर को अगर आप एक जगह बना देते समय पर, तो ये यहाँ पर आसानी हो जाती, लेकिन किसी ने पिछले 8 साल से इस बात पर ध्यान नहीं दिया जी। या तो उन्हें केवल राजनीतिक चुनाव और जलसे करने के अलावा किसी प्रकार का कोई काम करना नहीं आता, या उनकी इतनी सोच ही नहीं है कि शहरों का नवीनीकरण, सुधारीकरण और कैसे बढ़ाया जाता है जी। तीन डी प्रोजेक्ट थे, तीनों ऐसे ही पड़े आज के दिन जी। तो सुदीप जी, अगर मैं बात करूं 2024 की, तो 2024 नज़दीक आ रहा है, तो लोगों में इस बात की भी चर्चा है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे सांसद बन गए हैं राजस्थान से, वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? तो एक तो ये क्लियर कर दीजिए कि राजनीतिक सफ़र कैसे चलेगा, और 2024 को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ आपकी ओर से की जा रही हैं? पहली बात तो मैं आपकी जो मेन बात है उसका जवाब देना चाहूँगा। आज से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले भी नंदी भाई सब यहाँ आए थे, हज़ारों वर्कर आए हुए थे, क्योंकि बीमारी की वजह से 1.5 महीना वो नहीं आ पाए, इलाज चल रहा था। तो उसके बाद जब सारे साथियों से मिले, तो आप जैसे ही किसी नौजवान साथी ने ये सवाल किया जी, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया जी, ये दुष्प्रचार है। 2019 में भी यही बात कही जाती थी, अब 2022 में भी यही बात। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ग्राउंड की राजनीति करते हैं, और वो राज्यसभा के मेंबर पार्टी के जो सबसे बड़े नेता, उनके कहने से बने हैं ताकि वहाँ पर आवाज़ को उठाया जा सके, लेकिन वो अपनी राजनीति, ग्राउंड की राजनीति केवल और केवल कैथल से करेंगे जी। कैथल से ही चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा की ही राजनीति करेंगे जी। बहुत लोग जो विपक्ष के वो कह देते हैं राजस्थान चला गया, उन मेरे भाइयों को ये नहीं पता, राजस्थान से आदमी MP चुन के आता है, वो रहता दिल्ली में, राजस्थान में नहीं रहता जी। जितने हमारे मौजूदा साथी यहाँ नहीं आते, उससे ज़्यादा रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने साथियों से संपर्क में रहते हैं जी। और अब स्वास्थ्य ठीक हो गया तो हर हफ्ते रेगुलर यहाँ आना फिर शुरू है जी। 2 महीने बाद, क्योंकि अभी फसल का सीजन शुरू हो जाएगा, हम गांव दर गांव, वार्ड दर वार्ड अपना संगठन बनाना शुरू किया हुआ है, जिसकी ड्यूटी मेरी लगी है जी। तो 2 महीने बाद आप देखेंगे हम गाँव गाँव वार्ड वार्ड वाइज जलसे करेंगे जी, चुनाव यहीं से लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे जी। आप भी यहीं, मैं भी यहीं, ये बातें तो 2014 में भी कही जा रही थी, 2019 में भी कही जा रही थी। दूसरे की बातों की सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, हाथ कंगन को आरसी का, सबको सामने आ जाना है जी, आपके सामने आनी बातें जी। तो उन जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, अपनी तरफ से क्या कुछ मैसेज देंगे, क्योंकि पिछले 8 साल से
वो काफ़ी निराश हैं, प्रयास करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। अब उनकी तरफ से जैसे आप गांव दर गांव जा रहे हो, तो क्या कुछ संदेश आपकी तरफ से होगा उन कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा देने के लिए? मैं बड़े गर्व से एक बात कह सकता हूँ, रणदीप सिंह सुरजेवाला की जो भी साथियों की टीम है, चाहे वो गाँव की हो वार्ड की हो, वो कभी निराश नहीं होती। वो योद्धा है सब जी, उन्हें लड़ना आता है जी। चुनाव हारे जीते हम अगले दिन फिर अपनी नई तैयारी शुरू कर देते हैं जी, उनका मोराल कभी डाउन नहीं होता। और जिनके साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जैसे सच्चे कांग्रेसी और बहुत अच्छे नेता हों, वो कभी घबराते नहीं इन बातों से। चुनाव कभी आप हारेंगे कभी आप जीतेंगे जी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हमारा संगठन, हमारे साथी अगले दिन सुबह उसी तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, नए जोश से, नए संचार से दोबारा काम करेंगे जी। लोगों की सेवा के लिए फिर फील्ड में हैं जी। हमने कभी ये काम नहीं किया कि चुनाव हार गए या चुनाव जीत गए तो काम बंद कर दो। किसान भवन 24 घंटे चलता है जी। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग चुनाव लड़े हैं, तीन तीन बार चुनाव लड़ चुके हैं, जो आज भी गांवों के नाम नहीं बता सकते जी। सुदीप जी, जो पंचायत चुनाव है पिछले दो साल से अटके हुए हैं, तारीख दर तारीख लग रही है, पहले सितंबर में होने थे, अब 30 नवंबर तक फिर रोक लगा दी गई है, तो क्या कुछ मानते हैं इन पे, क्या कुछ? हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो गांवों में बसता है, दो साल से गांवों में सरपंची के, जिला परिषद के, ब्लॉक समिति के चुनाव नहीं हुए जी। लोग काम के लिए किसके पास जाएं? अफसर ने तो सुनवाई करनी नहीं जी। एक आम गरीब आदमी अपने काम के लिए डीसी तक कैसे जाएगा जी? पता नहीं क्यों हर 15वें दिन ये चुनाव को आगे के आगे टालते जा रहे हैं जी। ग्रांटों का बे इंतहा मिसयूज हो रहा है, गलियां बनती नहीं है, कागजों में दिखाई जाती, किसी को नहीं पता किस गांव की क्या ग्रांट आ रही है और वो कहाँ इस्तेमाल हो रही है जी। आप तो फील्ड में जाते रहते हैं, आप किसी गांव में जाके पूछिए कि आपके गांव में पिछले दो साल में कितने नए काम हुए और कितनी ग्रांट है, कोई इस बात की सफाई नहीं दे पाएगा जी। लोकतंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद है, उसी को आपने दो साल से फेल किया हो, एक चुनाव भी नहीं करवा पा रहे हैं जी। तो क्या बीजेपी डरी हुई है, मानते हो? या तो डरी हुई है या अफसरों और नेताओं के दबाव में काम नहीं कर रहे, चुनाव नहीं करवाना चाहती जी। चुनाव तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। आप देखिएगा अगले एक महीने में कांग्रेस पार्टी अपना संगठन शुरू करके जो लोगों के साथ ये महंगाई, बेरोजगारी, क्राइम बढ़ रहा है, कोई किसी की सुनवाई नहीं हो रही, इसके प्रति पूरे रोष से लोगों के सहयोग से आवाज़ उठाएंगे। खुद बीजेपी वालों की नहीं चल रही, ठीक है बेचारे बोल नहीं पाते हैं क्योंकि अभी चुनाव में समय पड़ा है, लेकिन हम सारे साथियों के साथ मिलके इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और एक नया संगठन, नए संचार के साथ आगे बढ़ेंगे जी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुदीप सुरजेवाला, जिनसे हमने विभिन्न जो पहलुओं पर बातचीत भी की, कांग्रेस संगठन के बारे में विस्तार से इन्होंने जानकारी दी। जैसे इन्होंने बताया कि अभी दो तीन दिन में कांग्रेस का संगठन बनेगा और ये गांव दर गांव लोगों से मिलेंगे और कहीं ना कहीं अपनी बात रखेंगे और दोबारा से मजबूती से कांग्रेस आपको मैदान में खड़ी दिखाई देगी। और उन्होंने तमाम उन बातों पर भी विराम लगा दिया है जो चर्चा का विषय थी कि क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला 2024 में चुनाव लड़ेंगे, तो इन्होंने साफ तौर कह दिया है कि साफ तौर पर कहा है कि कैथल से ही रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव लड़ेंगे और यहीं की राजनीति करेंगे और यहीं के लोगों को बेनिफिट कहीं ना कहीं वो पहुँचाएंगे। तो इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह मैसेज पहुँच सके।